हमारे शरीर में जो सात चक्रास है, अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करते या तो वो कोई भी चक्रास है किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो हमारे शरीर में शारीरिक एंड मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती है। क्योंकि ये सातों चक्र है, वो तीन ग्रंथियां जो उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा ग्रंथि जो है पहला और दूसरे चक्र से बनी है, यानी कि मूलाधार एंड स्वाधिष्ठान चक्र से बनी हुई है। और जब ब्रह्मा पहली ग्रंथि यानी कि ब्रह्म ग्रंथि में ऊर्जा अटक जाती है तो स्किन के रिलेटेड समस्या आती है, और उस टाइम ह्यूमन को सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहना चाहिए और इस दोनों चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और बैलेंस कैसे करें या तो चक्रों को कैसे प्रॉपरली यूज करें, उसके लिए मेरे कुछ वीडियो से आपको देखने होंगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, स्टोन यूज कर सकते हैं, फूड्स में चेंज ला सकते हैं। विष्णु ग्रंथि जो है वो तीसरे और चौथे चक्र से बनी है। तीसरा और चौथा चक्र है, उसे सोलर प्लेक्सस या तो मणिपुर चक्र एंड हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र के नाम से हम जानते हैं। जब ये चक्रास बैलेंस नहीं होता है, जब ये चक्रास बैलेंस नहीं होता है या तो इस चक्र में जो ऊर्जा है वो अगर प्रॉपरली फ्लो नहीं करती है, तो उस केस में विष्णु ग्रंथि जो है उसमें ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। और जब विष्णु ग्रंथि में ऊर्जा ब्लॉक होती है तो पाचन संबंधी समस्याएं आती है, पीलिया हो सकता है, दिल की धड़कन, हार्ट की ब्रीदिंग, हार्ट दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर के इश्यू आ सकते हैं, और व्यक्ति जो है वो अकेला रहने लगता है। विष्णु ग्रंथि में जब दिक्कत होती है तब पर्सन जो है कनेक्टेड नहीं रहता है, वो आइसोलेशन फील करता है, और ऐसे व्यक्ति को डरावने सपने भी आते हैं। जब वो सोता है तो उसे डरावने प्राणी जो है उसके पास में खड़े ऐसा भी भय लगता है। रुद्र ग्रंथि जो है पांचवें और छठे छठे चक्र से बनी हुई है। हमारी बॉडी में जो पांचवा चक्र है उसे हम थ्रोट चक्र या तो विशुद्धि चक्र बोलते हैं, और छठा चक्र है उसे अंजना चक्र या तो थड़ाई चक्र भी हम बोलते हैं। जब रुद्र ग्रंथि यानी कि जब पांचवें और छठे चक्र में तकलीफ होती है या तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तब रुद्र ग्रंथि में एनर्जी है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं होती है। और हम सबको पता है जो थड़ाई है यानी कि आज्ञा चक्र है वो जब प्रॉपरली वर्क करता है तो हमें एक सफेद नीली और बैंगनी रोशनी की चमक जो है अपनी पीनियल ग्रंथि की ओर जाती हुई दिखती है। पीनियल ग्रंथि है वो हमारे माइंड का, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है, और जब वो प्रॉपरली काम करती है तो हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा होती है। बट जब उसमें दिक्कत आती है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। और जब एक बार हमारा थड़ाई चक्र प्रॉपरली वर्क करने लगता है या तो थड़ाई एक्टिवेट हो जाती है तो ये सारी समस्या जादुई तरह से गायब हो जाती है। और जब थड़ाई चक्र प्रॉपरली वर्क करता है तो ब्लड ब्लड प्रेशर रिलेटेड पित्ताशय या तो अन्य पथरी की समस्या, पीलिया, आंख की रोशनी, डायबिटीज, स्किन रिलेटेड जो बीमारी है वो सब में फायदा होता है। और रुद्र ग्रंथि जब ओपन हो जाती है तो हमारी सेंसिंग सिस्टम है यानी कि हमारा आंख, कान, नाक और गला या जीभ वो भी हो प्रॉपरली काम करता है। बट जब रुद्र ग्रंथि में रुकावट आती है तो हमें ईएनटी यानी कि आंख, कान, गले की दिक्कत है बढ़ती है, और इसीलिए हमें हमारे जो सेवन चक्रास है उसको हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। सेवन चक्रास को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चक्रास के रिलेटेड कपड़े पहन सकते हैं, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आप रिलेटेड चक्र के रिलेटेड स्टोन्स का यूज कर सकते हैं, आप एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज मेरे वीडियो में, पुराने वीडियो में बताई गई है। आप आई बटन में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी।